जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राजगढ़ माचलपुर प्रथम कांवड़ यात्रा में उमड़ा भारी जन सैलाब। जिले के माचलपुर नगर के नजदीक गांव कुंबी के बालाजी से ग्रामीणों ने आज सावन माह के चौथे सोमवार को कचनारिया वाले संत श्री नारायणपुरी जी महाराज के सानिध्य में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे कुंबी के बालाजी से हुई, जो आदमपुरा देवली राजपुर खेड़ा होते हुए रामगढ़ के प्रसिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां 51 भक्तों द्वारा कांवड़ों में भरकर लाए जल को पंडित जितेंद्र जी एवं पुजारी संतराम द्वारा मंत्रों उच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया गया। यात्रा के दौरान ढोल डीजे की धुन पर भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तनों पर सैकड़ों महिला पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। साथ आजादी महोत्सव के तहत घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा में बाबा भोलेनाथ के ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहराया गया, जिनका स्वागत सत्कार जगह जगह ग्रामीणों द्वारा किया गया। भगवान भोलेनाथ की आरती पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसादी पाई। ग्रामीणों की आस्था की प्रथम कांवड़ यात्रा के बारे में रामगढ़ के निवासी शिक्षक रामचरण दांगी ने बताया कि कुंबी गांव के आस्तिक भक्तों के प्रथम प्रयास से इस यात्रा को प्रतिवर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। जगत न्यूज 24 एमपी राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा से चली है, और इसमें बहुत है। ये कांवड़ यात्रा से बाराती हुई है, और इसमें खेड़ा देवली और रामगढ़ होते हुए कम से कम उसमें 10,000 पब्लिक इकट्ठी हुई, और इसमें विशेष विशेष लोगों के आमंत्रण हुआ। ये कांवड़ यात्रा प्रथम बार है। किसके सानिध्य में निकाली गई है ये कांवड़ यात्रा? हमारे कचनारे वाले महाराज नारायणपुरी जी, संत राम जी, और ये संत महंत जो उपस्थित हुए हैं, गांव के वरिष्ठ लोग भी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या है, प्रतिवर्ष निकाली जाएगी? हाँ सर, इनका उत्साह तो इनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गांव कुमड़ी वाले और आसपास के 10-12 गांव में ये सबको जन सैलाब चलता रहेगा, और आगे भी ये कांवड़ यात्रा निकलती रहेगा। क्या नाम है आपका? रामचरण दांगी, रामगढ़।